हे गाइस, कैसे आप? नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो हम वीडियो देखेंगे कुछ दिन पहले हमें देख लेना तुम सब बीच में मत बोलो तो मैं बोलूं। तुम सबसे क्या मतलब भाई, ये बोलना है तो यार लिंक खराब कर दे। बोल भाई, अब बोलना, क्या बोलना है? मैं बोलता शांत जो सबसे, जब जैसी देखा ना कि रवि का खान क्राइम क्या हो गया, फिर उसके पीछे देखा प्रैंक गॉन रॉन्ग। अच्छा, ये भी तो मतलब प्रैंक गॉन रॉन्ग, रवि का खान क्राइम विद अभिया। और बिना देखे स्टार्ट करते और देखते ऐसी क्या बात होगी प्रैंक में। प्रैंक वीडियोस देखने में उससे ऐसे मजा आता होगा, रवि का रोने लग गए। तो उससे पहले सब्सक्राइब करें, स्टार्ट करते 3 2 1 गो गो। सो गाइस, मेरे पास ये सीजर है और मैं रवि का वहाँ पे अपना ब्लॉग एडिट कर रही है, और एडिट कर रही मतलब ब्लॉग बना रही है, और मैं रवि का उसे प्रैंक करने वाली हूँ। बेसिकली वो अपनी सारे हेयर केयर रूटीन उसमें बता रही है, और उसमें वो ट्रिम भी करेगी अपने बाल। सो मैं उसके साथ प्रैंक करने वाली हूँ इस सीजर के साथ, और मैं जो उसके साथ प्रैंक करने वाली हूँ ना, मैं इससे इस सीजर से रबीका के बाल काटने वाली हूँ। ओह माय गॉड। सो मैं आ गई हूँ अपना सामान लेकर, सारा मिरर और सीजर मेरे पास आ गई है। बट उससे पहले मतलब ट्रिमिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूँ। अब भैया फातिमा मेरे घर में आई थी, तो उनकी शक्ल आप लोगों को दिखा दूँ कैसी हो रही है। उनको कितना गुस्सा आ रहा है, आंख बदौला आ रही है, कह रही है आप वीडियो बनाने लगी हुई हो, मैं आपके घर रुकी हुई हूँ, बंदा बातचीत कर ले, ये कर ले। तो मैं बोला भी हाँ, फैंस को एंटरटेन करना भी एक, मैंने सोचा बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं खुद ही एंट्री मार खुद ही आ जाऊँ, मैं बहुत लंबा हो गया। तो एक्चुअली आज मेरा दूसरा दिन है रबीका के घर पे, और रबीका ने मुझे नो लिफ्ट का बोर्ड लगा अच्छा, के रखा अच्छा, हाँ, हाँ, अभी की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो कोई मसला नहीं है, मतलब मेहमानों को पूरी टेंशन देनी चाहिए, लेकिन रबीका को तो सिर्फ आप लोगों को टेंशन देनी है, अपने ना फैंस को भी एंटरटेन करना पड़ता है, एंटरटेन करना पड़ता है, लेकिन एक वक्त तक के लिए। लेकिन जब आपके अपने दोस्त यहाँ मौजूद हो ना, तो सारा टाइम उन्हें देना चाहिए। ऐसा नहीं है, मेरे लिए मेरे फैंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको एंटरटेन करना भी। अच्छा, वैसे मैं काफी देर से बैठ के देख रही थी, मतलब तो मुझे मैंने देखा कि आप अपना हेयर क्या बता रही हूँ, लाइक सीरियसली, और ये लगा ये ब्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है मुझे भी हेयर केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, काफी टाइम हो गया। आप मुझे अब मैं आप लोगों को एक मिसाल आप लोगों के सामने रख दूं, अभिया के बाल देखें और गेम शो में देखें, आप उनके बाल माशाल्लाह कितने घने थे, और अब इनके बाल कैसे झाड़ू, मतलब ये देख सकते हैं आप। हाँ, आप देख सकते, सही कह रही है रबीका। उसमें तो मैंने अभिया को भी यही बोला कि ऑयलिंग क्या करो, ये टाइम पे ऑयलिंग भी नहीं करती, इनको बहुत आलकसी आती है, ऊपर से ये अपने बालों की ट्रिमिंग भी नहीं करती। तो आज मैं हेयर केयर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लोगों ने भी मुझसे पूछा था कि आप कितना स्ट्रेटनर होता है, कर्लर होता है, आप कैसे संभाल लेती हैं। हाँ, ये मुझे भी बताओ यार, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बालों में स्ट्रेटनर स्प्रे वगैरह की वजह से बाल भूसा हो चुका है, टू बी ऑनेस्ट। तो आज मैं अपना हेयर ट्रीटमेंट बता रही हूँ, बट आज मैं हेयर ट्रीटमेंट में ये बताऊंगी कि मैं अपने हर महीने जाके बाल ट्रिम करवाती हूँ, और ये जो मेरे पास छोटी सी सीजर है, इससे मैं अपने बाल ट्रिम करने वाली हूँ। यस, तो ये इस सीजर से अपने बाल ट्रिम करें। आपको पता है रबीका, वैसे ना मैं आपको सच बता रही हूँ एक बात, कि मैं जब छोटी थी ना, तो मामा, क्योंकि ना मेरे आप ही और छोटी के ना बाल का ना घर में काट दिया करती थी, मामा को बहुत अच्छी कटिंग आती है, तो जब मामा ना ये सीजर का काम करती थी ना, तो मैं बहुत गौर से देखती थी मामा किस तरह से यूज कर रही है क्या वो। तो अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हाँ हाँ भैया, मसला हाँ, नहीं मुझे भी आता है। आपको नहीं लगता ये सीजर बहुत ट्रिमिंग के लिए सही है? ये क्यों ट्रिमिंग के लिए नहीं होती रबी? तो अब यार ट्रिमिंग इसी सीजर से होती है, और मेरे बाल नीचे से बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो मैं लोगों को काट के दिखाऊंगी कि मैं ट्रिमिंग हमेशा करती हूँ, जिससे मेरे बाल इतने हेल्दी, इतने स्मूथ, इतने सिल्की रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बोल दीजिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। बट मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, आप जहाँ पे भी हेल्प की जरूरत होगी तो भी बताऊंगी। सीन सारा ये है कि आप मेरे से नहीं होता रवि का, इस नाइफ से नहीं होता, नाइफ है ये। ओह सॉरी, कौन है ये? नाइफ है ये, कहाँ से आते हैं ये? मीम बनेगी इसकी, इस सीजन से दोनों हाथ में मैंने अपने केक गुड़िया, मैंने बड़े मसरूफ चल रहे हैं। अच्छा रुको ना, ये मिरर है सामने रखेंगे, और फिर मैं ट्रिमिंग करके दिखाऊंगी। सो गाइस, अब हम अपनी ट्रिमिंग स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे साथ बैठी है मेरी हेल्प कराने, अभी
ये लेयर मैंने निकाल लिया क्योंकि मुझे फ्रंट की नहीं करनी, मुझे अपने नीचे के बालों की ट्रिमिंग करनी है। नीचे से बहुत खराब हो रहे हैं जी ऑब्वियसली, बट रविका इतनी चुन्नी मुन्नी सी जो सीजर इससे नहीं होता। अभी ऐसे से काटते हैं थोड़े थोड़े बाल लेके कट करेंगे क्या, मतलब पूरे एक साथ थोड़ी करेंगे यार। मैं बता रही ना मामा मेरी करती थी वो सारे काम, जानती हूं मुझे पता है। अभी तो मुझे ज्यादा जानती हो ये बहुत, इसको इससे अगर तुम करना भी चाहो ना। अच्छा दिखाओ पहले खुद जाते हैं गाइस, सीन सारा ये मैंने इतनी छोटी नाइफ नाइफ बोली इसकी वजह से हुआ, ये इसी की ऐसा हो जाते हैं। सीजर मैंने इनकी वजह से नहीं लिए, मैं हमेशा इसी से काटती हूँ क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ही ज्यादा यू नो हल्के भी हैं नीचे से, तो इसमें आराम से आ जाते हैं। नहीं रविका उससे नहीं होता, ये वाली सीजर से होता। अच्छा ऐसा मुझे तो लुक एट बॉर्डर लग रहा है यार, तो मैं काफी। अच्छा अभी कंफ्यूजन नहीं करो यार, मैं तुमको बता रही हूं अभी यार, कंफ्यूजन अभी यार रुक जाओ अभी यार। अब आप मुझे बताएंगे मैं, अब आप लोग मुझे कैसे बताएंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगी मैं ऐसे काटूं या ऐसे काटूं, बट मैं ऐसे ही काटूं क्योंकि नॉर्मली सैलून्स में ऐसे ही काटा जाता है। नॉर्मली सैलून्स में बेटा ऐसे नहीं पकड़ते, इसको एक मिनट दिखाओ। अच्छा तुम पकड़ो, मैं जरा नीचे से करूं। मैं तो बताती हूं देखो ऐसे पकड़ते हैं और देखो इसी तरह से ऐसे हाथ रखते हैं और इस हाथ रखते हुए रविका मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम पागल हो गई हो यार। I'm sorry कि मैंने तुम्हें बोल रही हूँ बाल पकड़ो, तुम पकड़े नहीं रहे, तुमने मेरे पूरे बाल उड़ा दिए यार। यार मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। अब ये क्या मजाक है यार, मैंने तुम्हें बोला था मेरी हेल्प करना, तुमने पता नहीं क्या कर दिया। मेरे हाथ में हेल इतना रही थी, तुम इतनी बड़ी सीजर लेकर आई क्यों यार, मैं छोटी इस्तेमाल कर तुमने मेरे पूरे बालों का अशर नशर कर दिया यार। हेलियो तो वो मेरे हाथ से चल गई और वो गलती से जोर से दबी है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ पकड़ो, मतलब ये देखो ऊपर नीचे कर दिया यार तुमने मेरे। अभी ये तुम्हें पता है मेरे बाल कितने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए यार। आहिस्ता तो बात करो, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, चिल्ला के नहीं बात करो। बैठो, तुमने मेरे पूरे बाल खराब कर दिए यार। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तुम्हें सीजर उठा रही थी, मैंने पकड़ा था, तुमने हेली तो वो कट गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अभी तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरे बात जुड़ नहीं जाएगी। आंटी मैंने आप देख रहे हैं आज की जुमले, मैंने आपको पता है मैंने ऐसा नहीं किया, आपको तो मैं बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे एक तमीज से वीडियो में बाल यार इस तरह से नहीं बोला रविका। आंटी को मुझे मतलब मुझे लगे तुम्हारी पहले से प्लानिंग थी, तुम इतनी बड़ी सीजर लेकर क्यों आई। मैंने आंटी से ही बोला था, आंटी आपको तो सारी बातें पता है, मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मजाक करना चाहती हूँ। मजाक मतलब बालों के साथ कोई मजाक करते, तुम्हारे पास सेंस नहीं है, तुम इतना समझदार समझे। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, इधर इधर आओ। क्या हो गया रविका यार, सॉरी बोल रहा हूं। ओके मतलब एक्चुअली मैं मुझे ये बताओ कि आप मेरे साथ करने क्या वाली थी। यार मैं कुछ नहीं, मैंने मैं झूठ नहीं बोली, मैंने सुना। आर यू डूइंग अ प्रैंक, मेरा सिर्फ इरादा था कि मैं ऐसी नाइफ वो सीजर लेके आऊं। क्या मैं भूल गई, मैं क्या बोली थी। ये बॉय नहीं, इतनी कंफ्यूजन हो गई है मुझे, बताओ यार। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। आराम से बैठो, मतलब बिग डील ना गाइस, प्रैंक करी थी यहाँ मेरे साथ। अब क्या लगता है आप शेर है तो सामने वाला सब शेर नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ क्या मतलब। चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। एक मतलब ये मेरे साथ प्रैंक करने लगी थी और ये आप लोग देख सकते हैं एक्सटेंशन उन्हें लगाई थी और ये इनका मुझे प्लान पता था कि ये मेरे बाल काटने वाली है।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रैंक इन्हीं के साथ कर दिया जाए। कोई तरीका नहीं होता मतलब। अच्छा अच्छा सिट ओवर हियर, एम आई ओवर रिएक्टिंग टू मच? यार नहीं मतलब ये जान नहीं कर रही, तुम अपने अल्फाज तो देखो, तुमने मुझे क्या क्या बोला यार। या आंटी आप देख रही है ये कोई तरीका तो नहीं है ना हट यार, ये कोई तरीका नहीं, कोई तरीका अपने दोस्त के बाल काटने चली थी कोई तरीका? यार मैं मेरी जान निकल गई थी, तुम उससे बात क्या कर रही थी यार, अल्फाज देखती तुम अपने। अजीब यार बंद कर दो यार वीडियो, नहीं पर आया छोड़ो यहाँ से यार। अच्छा रुको मैं हंसी कर रही हूं। अच्छा अभी रोना नहीं, अपनी दोस्त के बाल काटने लगी ऊपर से ऐसे रिएक्ट करी और ये प्रैंक मैंने अभिया को कर दिया। यो बाल काटने चली थी मेरे। अब मानती कि नहीं मानती कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करना चाहे तो बुरा कोई कर नहीं पाता। बिल्कुल समझी मरियन। So guys, ये थी वीडियो भाई साहब। यार एक बार को तो मुझे भी लगा यार ये देखो यार मुझे पता है जब काट रहे तो उनको कैसे अंदाजा लग गया कि भाई यहाँ पे नकली बाल है यही पकड़ा हूँ मैं। नहीं उन्होंने खुद अपने हाथों से बाल लिया था, बोले इनके साथ मेरे को जो करना है कट करके दिखाना है जो भी है, तो उन्होंने पीछे का बाल आगे बाहर जाओगे ऐसे यहाँ आके बैठ तू यहाँ बैठ। देख मान ले तू ही पकड़ा रहा था तुझे पता चल जाएगा नकली बार कौन से असली बार कौन से, मुझे नहीं पता चलेगा भाई। मैं तो सारे पकड़ के मुझे लगा कि यार तो मैंने एक बार दो बातें बोली। पहली बात अगर यहाँ पे कोई लड़का होता तो यहाँ पे अभी कुत्थम गुत्थी चल रही होती भाई। पहली बात तो ये दूसरी बात है तेरी। पहली बात वो कि इतने बार काटता ही नहीं वो, कटोरा कटिंग पहले करते था इतने काटते पूरा काट देते पूरे काट देते यहाँ से कैची फंसा था ये चला देते। उसके बाद तो जो दोनों बिट देना चला एक तो ये बात होगी, लेकिन दूसरा इसका दूसरा वाले भी है। अगर मतलब किसी ने गलती से किसी दूसरे लड़के के भाई तो बाल गया था तो बंदा बैठ गया अब थोड़ा अच्छे से काट दे यहाँ से थोड़ा यहाँ से कर दिए ये भी हो जाता है कभी कभी। हाँ लॉकडाउन में बहुत बार हुआ भाई, डेढ़ दो महीना तक भाई बाल पागल कर रहे थे घर पे सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये थी आज की वीडियो और काफी ज्यादा मजेदार वीडियो। सर कुछ कह रहे थे आप उल्टा बीच में डॉक्टर बोल गया मैं। अच्छा इतना जल्दी भूल जाते हैं अभिया के साथ उल्टा प्रैंक हो गया। हाँ हाँ बेचारी खुद आई प्रैंक कर ली। मैं सोच रहा अगर वो प्रैंक करते तो किस तरह करते, नकली बाल कैसे काटते हो पता नहीं भाई। तो ये क्या आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर कर भाई प्रेस। थैंक यू सो मच।